What is up, Wanted Army? Welcome back to another PUBG Mobile video. So, देखो सबसे पहले तो ये निकम्मे बेशरम बंदे एकदम duo versus squad खेल रहे हैं ऊपर से हमारे कंपाउंड में उतर गए यार. ऐसा थोड़ा होता है. और ये 1.5 इंटो की स्पीड है, कहीं मुझे गालियां मत देना कि तू हैकिंग कर रहा है, ठीक है. और गाइस आप मेरे को मेरा इंट्रो पसंद आया हो तो मैं नीचे लिंक दूंगा स्टारफिश गेमिंग का, तो उसको प्लीज़ थोड़ा उससे जाके मिले, किसी को इंट्रो चाहिए हो तो, ठीक है. तो चलो वापस आते हैं हम अपने गेम प्ले पर. और यहाँ पर क्या है कि मैं पहले सोच रहा था कि इसको मारूँ या ना मारूँ, बट इसको मैंने मार दिया. चलो ठीक है, अगर एक नोक होता है बढ़िया. ये पीपी बिंजो बाइजन जो भी है ये मुझे नहीं पसंद, इसका डैमेज पता नहीं क्यों मतलब अपने हाथ में नहीं दिखती यार. तो अब इसके बाद मैंने क्या सोचा कि इस पर कवर करते हैं, ठीक है. तो मतलब इस पर रश करते हैं, लेकिन रश करते टाइम वो बंदा कवर फायदे ने बार बार भरा रहा था, उसको बार बार अंदर भगा रहा था कि भाई तू अंदर रहे, ठीक है, ज़्यादा भरा की जरूरत नहीं है. इन पर हम क्लच मार देंगे और लगभग मार चुके भी थे. देखो तो यार बस ऊपर गए, ठीक है. यहाँ पे दोनों लोग थे, मुझे पता था तो मैं दोनों को एक ही स्प्रे में ले गया. M762 तो वैसे ही बीस्ट गन है ना, क्लोज रेंज तो ओपी है ही. और कोचिंग के मेरे तो बात ही है. और बस ड्रॉप शॉट्स तो भैया मज़े में मारे जाते हैं ना. वैसे जब हमारा चिंटू भी आ गया था कवर पे, तो उसके बाद क्या था कि यहाँ पर ये तो भाई मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ यहाँ पर. ये बंदे ब्रॉन्ज के थे, मैं कह रहा हूँ गलत मैच मेकिंग में आ गए. मैंने मतलब यहाँ कुछ नहीं किया, ये पता नहीं खड़े थे दोनों ये क्या ऐसे कोने में खड़े हो गए, मतलब पता नहीं क्या आपस में खड़े हुए थे यार, मतलब क्या है क्या ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है. उस बाद इनका लास्ट बंदा मे बी ये एक स्क्वाड यहाँ पर नूब्स का आ गया था, आई नॉट श्योर क्या था, लेकिन ये जो भी था बहुत बेकार था, है ना, क्योंकि यार अब वो बेचारे हमारे पास, ठीक है. तो अब यहाँ पर ऐसे ही एक और स्क्वाड, ये देखो ये बंदा मतलब ओपन में ऐसे भाग रहा है, हम इसको कुचल रहे हैं. मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक और ये दो स्क्वाड्स नूब्स के हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा गेम प्ले चला है ना वो तो बस ड्रॉप शॉट्स पर ड्रॉप शॉट, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, है ना, क्योंकि चिंटू ने भी आज ड्रॉप शॉट मारा, तो वीडियो तो बढ़िया होगा ही सही, है ना. चिंटू MK14 खेल रहा था, देखो भाई मतलब बंदे ने स्प्रे मारा, तारीफ कर देनी चाहिए वीडियो में यार, हर बार बेचते मन अच्छा नहीं होता. तो अब यहाँ से मेरे को साउंड आ चुका था कि ऊपर एक बंदा है, और इस बंदे का क्या सीन था कि मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा था कि राइट में है कि लेफ्ट में है, और यहाँ पे मैं ऊपर नीचे होने का रीज़न यही था, ठीक है, मैं नर्वस हो रहा था यहाँ पर. बट जैसे मुझे साउंड आया कि वो लेफ्ट में अपनी AKM रिलोड कर रहा है, मतलब यहाँ पीछे या फिर ऊपर है ना, क्योंकि भाई कितना तो हो चुका है अपने. तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हुए सब कुछ करते हुए ये भी एक बंदा था, मतलब ये ठीक ठाक खेल रहा था, सोलो वर्सेस स्क्वाड का प्लेयर था मैं भी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी मैंने मार दिया, क्योंकि अब इसके बाद वाला जो क्लिप है वो बढ़िया रहेगा. और गाइज एक और बात, इस गेम प्ले में भी मैंने आपको लास्ट में एक क्लिप दिया है, उसमें भी चिंटू मैं और एक मैगमा क्रिश के नाम से बंदा है, वो हम तीनों ने मिलकर एक गाड़ी की ऐसी ऐसी कर रखी है पोचिंग की, मैं चार बंदे पहले हैं, तो जाकर प्लीज़ देखें, है ना, प्लीज़ कृपा कर दें, थोड़ी सी वीडियो पूरा देखें, स्किप मत मारें. अब यहाँ पर क्या था कि मैं यहाँ पर पूरा रोटेट मार के उस बंदे के पीछे आ गया, भाई तुम मर कहाँ मरेगा, उधर मरेगा इधर मरेगा. तो इस बंदे ने डिसाइड किया मेरे से मरेगा, पहले मैंने चेक किया कि नागिन है, हाँ नागिन है, मतलब तगड़ा बंदा है. तो YT वाला मतलब यूट्यूबर था अभिजीत भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको मार दिया ही, तो आप जाइए यहाँ से, आप लोबी में जाके आराम कीजिए, रेस्ट इन पीस. तो उसके बाद एक और छोटा सा क्लिप देख लो यार, पहले मुझे लग रहा था मैं सोलो वाले में घुस गया हूँ, ठीक है, सोलो वर्सेस डुओ खेल रहे हैं, मतलब सोलो सब हम डुओ, लेकिन आगे जाके स्क्वाड आएगा यार, टेंशन की बात नहीं है. अब अगला क्लिप बड़ा तगड़ा वाला होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पर एक्चुअली ये भी आ रखा था, हमने कहा उड़ा देते हैं यार इसमें क्या है, देखो एक वो फर्स्ट क्लास स्क्वाड बढ़िया था, और एक वो जो अब आएगा, ठीक है. और गाइस दोबारा से कह रहा हूँ स्टारफिश गेमिंग, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसने मेरा बनाया है बहुत तगड़ा वाला इंट्रो, और मुझे बहुत पसंद आया, आपको पसंद आया तो बताना मुझे जरूर, और उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको वैसा चाहिए, वो भी गेमिंग चैनल है, टेक्निकल चैनल भी प्लस स्ट्रीम में है. तो वापस आते हैं गेम प्ले पर. अब यहाँ पर क्या था कि तीनों रश देख के मैं दब गया था, और मेरा फोन इतना लैग करा था, मैं पता नहीं कैसे बस मैं अपना दिमाग लगाया कि इसे के मार जा सकते हैं यहाँ पे. और चिंटू ने यहाँ पर जो सपोर्ट दिया ना, मतलब चाहे वो बाद में नॉक हुआ, बेइज्जती नहीं मारनी, बट ये वाला मूवमेंट लिटरली ये मुझे लगा था कंटेंट गया, बट मैंने कंटेंट बचा लिया पता नहीं कैसे. तीन बंदे रह गए यहाँ पर चार, और ये चौथा भी रिंगवा दिया, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट इन दो लोबीज, है ना, लोबी में जाओ जाके आराम करो, रेस्ट इन पीस बाय, ठीक है. तो अब इसके बाद क्या था कि यहाँ पर तो चिंटू ने स्प्रे मतलब ये बंदा ना मतलब क्या ओम के पटाखे मारा था, मैंने आपको दिखाया वहाँ पर कि देखो ओम चली है ना, सिर्फ आपको लोगों दिखाया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया मैं. तो अब यहाँ पर मैंने करी एक छोटी सी गलती, ठीक है, मैं यहाँ पे सोचा इसको उड़ा दूंगा, लेकिन ये बंदा उड़ा कैसे नहीं मुझे समझ नहीं आया, और मैं प्ले जोन के बाहर जाके नॉकआउट, ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पर मैं तो मर गया, बट क्लिप चल रहा है, वीडियो चल रहा है अभी. तो उसके बाद चिंटू को स्पेक्टेट किया, इसने मेरा कॉन्टेंट बचा लिया, मतलब मुझे इज्जत थोड़ी दिलवा दी वापस, ताकि बंदे ये ना कहें कि भाई तू क्या क्या मरा क्या ये, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या, हाइड्रा का बंदा बहुत तगड़ा है. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और वो लास्ट वाली क्लिप जरूर देख कर जाना,
बहुत बहुत धन्यवाद।